चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर लखनऊ से, कारीगरों, कुम्हारों, शिल्पकारों, बुनकरों के लिए अच्छी खबर है। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत स्टॉल खोले जाएंगे। दशहरी आम से लेकर चिकन उत्पाद तक उपलब्ध होंगे। चारबाग वाराणसी स्टेशन सहित 19 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। 25 मार्च से वाराणसी से योजना शुरू करने की तैयारी है। भारतीय रेल की योजना के तहत स्टॉल खोले जाएंगे। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत इन स्टॉल को खोला जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशफाक, कारीगरों, कुम्हारों के लिए खास तौर से अच्छी खबर है, एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत स्टॉल खोले जाना है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, वन प्रोडक्ट। इसमें जो है किसी हर जिले के जो एक जो वहां का लोकल प्रोडक्ट होता था उसको प्रमोट करने के लिए जो है काफी बजट दिया गया है और उनके लिए तमाम जो स्टॉल और तमाम जो है प्रदर्शनी आयोजित की गई। अब ये नई योजना रेलवे, भारतीय रेलवे के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसमें जो जो रेलवे स्टेशन, बड़े रेलवे स्टेशन है, वहां पर जो जो कारीगर हैं, जो कुम्हार हैं, जो शिल्पकार हैं या जो बुनकर हैं, उनके प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले किए जाएंगे और उन्हें जो है रेलवे जो है बहुत ही कंसेशनल रेट पर जो है जगह उपलब्ध कराएगी, ताकि उनके प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे और उनका जो है एक तो सेल भी हो और उनके प्रोडक्ट का प्रचार भी हो। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो है वो जो जो लोकल प्रोडक्ट है उनका प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि रेलवे स्टेशनों से तमाम अलग अलग इलाकों से, प्रदेशों से लोग आवागमन करते हैं और वो उस शहर में भले न जा पाए लेकिन वहां के प्रोडक्ट से वो रूबरू होंगे और उन्हें अगर पसंद आता तो वो खरीदेंगे भी। इससे कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में जो है बड़ी बहुत जो है मदद मिलेगी। जी अशफाक, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।